नमस्कार, देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में मैं हूं आपके साथ लीना। बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं खबरों की सुर्खियां। धमतरी और महासमुंद पहुंची अटल विकास यात्रा, खुला विकास कार्यों की सौगातों का पिटारा। शिक्षा कर्मियों से शिक्षक बने गुरुजनों ने आयोजित किया महासम्मेलन। सम्मेलन में किया गया मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का सम्मान। राज्य के हर मतदाताओं को मिलेंगे चुनाव से जुड़े सवालों के जवाब। फेसबुक में लाइव आकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी देंगे जवाब। और दर्शकों को भी भा रही फिल्म सुंदर मोर छत्तीसगढ़, लव स्टोरी के साथ राज्य की संस्कृति का हुआ बेहतरीन फिल्मांकन। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रविवार को अटल विकास यात्रा के दौरान महासमुंद और धमतरी जिले के दौरे पर रहे। मुखिया राजधानी से पहले बसना के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने आमसभा को संबोधित कर कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसके बाद सीएम धमतरी के भाखरा पहुंचे। भाखरा में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 1464 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी जनता के सहयोग से विकास के हर क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान बना रहा है। बस्तर से सरगुजा तक पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल आदि हर क्षेत्र में विकास साफ नजर आ रहा है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह महासमुंद जिले बसना में अटल विकास यात्रा के दौरान कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बसना की आमसभा से जनता को 253 करोड़ 89 लाख रुपए के 47 निर्माण कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इसमें से 14 करोड़ 66 लाख रुपए के पूर्ण हो चुके 11 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया और 239 करोड़ 22 लाख रुपए के 36 नए स्वीकृत निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। बसना की आमसभा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने संबोधन के दौरान शिक्षा कर्मियों के सविलियन के फैसले को लेकर भी अपनी बात रखी। मुखिया ने सरकार की तरफ से उठाए गए कदम का जिक्र किया, साथ ही शिक्षा कर्मी परंपरा की शुरुआत करने वाली कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उनको याद दिलाना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह के वो काल, 500 रुपया में शिक्षा कर्मी को रखने का पाप यदि किसी ने किया था, ये कांग्रेस सरकार ने किया था। 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000 बढ़ाते रहे मगर सम्मान का दर्जा नहीं दे पाए, ये कांग्रेस की नीति ऐसी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के सभी वर्गों का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हम करते हैं और आज इसलिए गांव, गरीब और किसान, इनके जीवन में एक व्यापक परिवर्तन कैसे आए, इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने का काम इस विकास यात्रा में क्यों निकले। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह धमतरी जिले के भखारा में पहुंचे, जहां मुखिया ने आमसभा में लगभग 1463 करोड़ रुपए की लागत के 270 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। डॉक्टर रमन सिंह ने 1007 करोड़ के 11 लाख रुपए की लागत के 187 कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं 456 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत के 83 कार्यों का लोकार्पण किया है। इन कामों में स्थानीय निवासियों की मांग पर रायपुर, टिकरापारा, सेजबहार, भखारा, धमतरी, कुरु तक बनने वाली 57.32 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने मुखिया ने भूमि पूजन किया है। साथ ही नयापारा, भोयना, कल्ले आमदी, कुरुत पांडू तक बनने वाली सड़कों का भी आधारशिला रखा। देश टीवी के लिए निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी में जनता जनार्दन के सुझावों से ही घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। इस घोषणा पत्र में हर तबके के सीधे सुझाव मांगे गए हैं। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भाजपा के पास 1000 से ज्यादा सुझाव आ चुके हैं, देखिए पूरी खबर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र जनता के सुझावों से तैयार किया जाएगा, जिसमें हर उम्र वर्ग और क्षेत्र के लोगों से उनकी जरूरतों के साथ उनके बेहतर जीवन शैली के लिए सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए शनिवार को ही भाजपा घोषणा पत्र समिति की बैठक में संभाग स्तर पर समिति भी बनाई गई, जिसमें दुर्ग संभाग की जिम्मेदारी प्रेम प्रकाश पांडे, जगदलपुर संभाग में अजय चंद्राकर, बिलासपुर संभाग में पुन्नू लाल मोहिले को जिम्मेदारी मिली है, जबकि अंबिकापुर संभाग और रायपुर संभाग बृजमोहन अग्रवाल खुद देखेंगे। इसके साथ क्षेत्र के दो दिग्गज नेताओं को भी जोड़ा गया है। यह समिति संभागों का दौरा कर समाज के विभिन्न वर्गों से आने वाली सरकार से उनकी उम्मीदें टटोलेंगी। से जो हमारा बीजेपी का घोषणा पत्र होगा, पहले भी ग्राउंड लेवल पर भी बना था और आने वाले समय पर ही भी ये जो बनेगा वो वास्तविकताओं के आधार पर बनेगा, ग्राउंड लेवल पर बनेगा, ये काल्पनिक नहीं होगा। जिन कामों को हम पूरा कर सकते हैं उन्हीं कामों के बारे में हम घोषणा पत्र, इसके लिए हमारी अलग अलग टीमें बनकर
जिले स्थानों पर भी जाएंगी, संभाग स्थानों पर भी जाएंगी, समाज के सभी वर्गों से सुझाव भी लेंगी। इधर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बैठक के पहले ही 1000 से ज्यादा सुझाव पार्टी के पास आ चुके हैं। अग्रवाल ने आगे कहा कि सभी सुझाव पर विचार किया जाएगा। बीजेपी अटल दृष्टि पत्र को आधार बनाकर सरकार के 15 साल के विकास को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। लगभग 1000 से ज्यादा सुझाव हमारे सदस्यों के पास में, हमारे ईमेल में और हम लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। जो अटल स्मृति एक विजन बनाया गया है 2025 के लिए, उस विजन को बेस बनाकर घोषणा पत्र बनाया जाएगा और इस घोषणा पत्र में मजदूर से लेकर, खेती किसानी से लेकर, नौजवानों से लेकर, महिलाओं से लेकर और उद्योगपति व्यापारी सभी वर्गों के बारे में इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उनको और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पीने के पानी के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, जितने भी विकास के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आने वाले समय पर चौथी बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो क्या क्या काम करेगी, इसको घोषणा पत्र में लिया जाएगा। भाजपा घोषणा पत्र की संभाग स्तर पर बनाई गई कमेटी हर जिले में जाएगी, जहां स्थानीय लोगों के स्थानीय मुद्दों के अलावा राज्य स्तरीय मुद्दों का संकलन करेगी। संभागीय कमेटी 10 अक्टूबर तक अपना रिपोर्ट चुनाव घोषणा पत्र समिति को प्रस्तुत करेंगी। इसके तहत भाजपा इस बार किए हुए कार्यों के विस्तार को भी मैनिफेस्टो में शामिल करेगी, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रमुखता से रखा जाएगा। देश टीवी के लिए कैमरामैन कुणाल राव के साथ निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संविलियन के सौगात के बाद नियमित शिक्षकों ने इंडोर स्टेडियम शिक्षक महासम्मेलन का आयोजन किया। इस महासम्मेलन में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह का भव्य स्वागत किया गया। शिक्षा कर्मी से शिक्षक बने सभी लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इंडोर स्टेडियम में आयोजित शिक्षक महासम्मेलन में शिक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को संविलियन आभार व्यक्त किया है। इस महासम्मेलन के दौरान पहले भारत माता की आरती का आयोजन किया गया, जिसके बाद शिक्षा कर्मियों ने सम्मान समारोह की शुरुआत की। संविलियन की सौगात मिलने के बाद ही एक सम्मेलन के आयोजन के साथ मुख्यमंत्री के सम्मान करने की बात कही जा रही थी, लेकिन संगठन के नेताओं में एक राय नहीं बनी, जिसके बाद केदार जैन और वीरेंद्र दुबे ने पहल करते हुए महासम्मेलन का प्रस्ताव लाया। इस सम्मेलन के संबंध में शिक्षक संघ के प्रदेश संचालक केदार जैन ने बताया कि काफी लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई थी, जिसे लेकर हमने 23 सालों तक संघर्ष किया। फिर जाकर मुख्यमंत्री ने हमारा संविलियन करते हुए पहले चरण में 1,10,000 शिक्षा कर्मियों का संविलियन कर दिया है। इसके दूसरे चरण में हमारे बाकी के शिक्षा कर्मियों का भी संविलियन किया जाएगा। इस वजह से आज हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। निश्चित रूप से न केवल प्रदेश के शिक्षा कर्मियों में खुशहाली का वातावरण है, बल्कि पूरे प्रदेश के जनता और छात्र छात्राओं में भी खुशहाली का वातावरण है कि अब हमारे विद्यालय में कर्मी जो है शिक्षक अध्यापन का कार्य नहीं करेंगे, बल्कि एक शासकीय शिक्षक हमको अध्यापन कार्य कराएंगे। निश्चित रूप से प्रदेश के शिक्षा कर्मी आज खुशहाली के वातावरण में हैं, प्रदेश के नौनिहाल जो छात्र छात्राएं हैं वो खुशहाली के वातावरण में हैं, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता आज खुश है। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन रही थी कि ऐसे माननीय मुख्यमंत्री का एक भव्य सम्मान, भव्य आभार और भव्य अभिनंदन किया जाना चाहिए। उसी क्रम में आज 30 तारीख को हम प्रदेश के शिक्षा कर्मियों ने तय किया कि प्रदेश के सरकार का एक ऐतिहासिक अब अभिनंदन और आभार किया जाए। शिक्षा कर्मी महासम्मेलन के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक राजधानी में जुटे रहे। हालांकि शिक्षा कर्मियों से जुड़ा फेडरेशन भी अपने 4 सूत्री मांगों को राजधानी में ही जोरदार प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें सहायक शिक्षक के परिवार के लोग भी शामिल हो रहे हैं। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस कंस के साथ कुलभूषण सिंह की रिपोर्ट। एक तरफ तो शिक्षा कर्मी संघ ने मुख्यमंत्री का सम्मान करने महासम्मेलन बुलाया, वहीं दूसरी तरफ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने सरकार के खिलाफ धिक्कार रैली का आयोजन किया। फेडरेशन ने संविलियन समेत अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। लाखेनगर धरना स्थल पर रविवार को इस धिक्कार रैली में तकरीबन 25,000 की संख्या में वर्ग 3 शिक्षा कर्मी ने अपनी आवाज बुलंद की है। फेडरेशन ने संविलियन पाने वाले शिक्षक मोर्चा को सरकार का दलाल बताया है। वर्ग 3 के ये शिक्षा कर्मी वेतन विसंगति, संविलियन जैसी 4 प्रमुख मांगों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के पूरे प्राथमिक शालाओं में कार्यरत सहायक शिक्षक वर्ग 3 प्रदेश सरकार से नाराज है। सरकार ने जो संविलियन का घोषणा पिछले दिनों किया था उससे वर्ग 3 को कोई फायदा नहीं हुआ। वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, वर्ग 3 के पीठ में छुरा घोंपा गया है। सरकार ने संविलियन के नाम पर
प्रदेश के आम जनता को ये गुमराह कर रही है कि हमने शिक्षा कर्मियों को संविलियन कर दिया, लेकिन संविलियन नहीं, ये धोखा है। जब संविलियन हुआ है तो हमको पूरा वेतन मान मिलना चाहिए, हमारा वेतन नहीं बढ़ा। छत्तीसगढ़ हाट पंडरी में शिल्पोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में भारत भर के तकरीबन 50 नामचीन शिल्पकारों ने अपनी हिस्सेदारी की है। शिल्प महोत्सव में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में बंगाल के ड्राई फ्लोअर, बंगाली साड़ी, बनारसी सिल्क, भागलपुरी सिल्क और उज्जैन की बाटी समेत देश भर की प्रसिद्ध चीजें इसके आकर्षण का केंद्र है। जागृति महिला समिति के अध्यक्ष रेहाना परवीन ने इस शिल्प महोत्सव की जानकारी देते हुए बताया कि हर साल ये महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार भी पंडरी हाट में शिल्प महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग राज्यों की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। हमारे इंडिया के सभी शहरों से शिल्पी आए हैं अपने हाथ से बनी हुई वस्तुएं लेकर, जो बहुत ही सुंदर हैं, और वो सब उसमें हमारा ट्राइफेड जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है। इसमें जो है आप कराची का गरारा है, लखनऊ की चिकनकारी है, बनारस की साड़ियाँ हैं, भागलपुर का बटिक वर्क है, मुरादाबाद का पीतल है, ये सहारनपुर का वुड कार्विंग है, मतलब सभी आइटम यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छे हैं।